तो आप कंफ्यूज है बिटवीन लेनोवो आईडियापैड गेमिंग 3 एंड एसर नाइट्रो 5। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन, आपने सही जगह पे पहुंचे हैं। मैं इस वीडियो की बात नहीं कर रहा हूं, आपने जो दो लैपटॉप लेने का सोचा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। वैसे तो मार्केट में ये दोनों लैपटॉप के कई सारे वेरिएंट मिल जाएगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूं आईडियापैड राइजन 5 5600H वर्सेस नाइट्रो 11 जनरेशन i5 11300H। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर पावर्स की। आईडियापैड आता है 3.3 गीगाहर्ट्ज बेस फ्रीक्वेंसी और टर्बो फ्रीक्वेंसी है 4.2, जबकि नाइट्रो के 3.1 बेस फ्रीक्वेंसी और टर्बो फ्रीक्वेंसी है 4.4। तो फ्रीक्वेंसीज में खास कुछ फर्क नजर आ नहीं रहा है, पर अगर सिनेमच स्कोर आपने नहीं देखा तो क्या देखा। लेकिन उससे पहले आप ये जान लो कि आईडियापैड गेमिंग 3 के कोर्स ज्यादा है, दैट इज 6, और थ्रेड 12 है, जबकि नाइट्रो 5 का सिर्फ 4 कोर है और 8 थ्रेड है। सिनेमच R23 सिंगल कोर में लीड करता है नाइट्रो 5 विद अ पॉइंट ऑफ 1536, जबकि मल्टी कोर स्कोर में आईडियापैड गेमिंग 3 काफी आगे निकल जाता है विद अ स्कोर ऑफ 10092, लगभग 45% ज्यादा परफॉर्मेंस। और इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं पहला डिसाइडिंग फैक्टर, दैट इज प्रोसेसर परफॉर्मेंस। अगर आप कोई एक एप्लीकेशन यूज करते हैं और उसका परफॉर्मेंस आपको बहुत ही अच्छा चाहिए तो आपको नाइट्रो 5 के साथ जाना चाहिए, क्योंकि इसका सिंगल कोर स्कोर बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आप मल्टीटास्क कर रहे हैं, जो एक से ज्यादा एप्लीकेशन में काम करते हैं वो भी एक टाइम पे, तो आपके लिए आईडियापैड गेमिंग 3 बेहतर होगा, क्योंकि इसका मल्टी कोर स्कोर अच्छा है। नेक्स्ट, ये दोनों लैपटॉप आता है 8GB DDR4 रैम के साथ में, जिसका स्पीड है 3200 MHz। लेकिन रैम की बात यहाँ पे खत्म नहीं होता है, और ये दोनों लैपटॉप आता है 2 मेमोरी स्लॉट के साथ में। पर आईडियापैड गेमिंग 3 सिर्फ 16GB तक अपग्रेड हो सकता है, जबकि नाइट्रो 5 32GB तक अपग्रेड हो सकता है। तो रैम है हमारा सेकंड डिसाइडिंग फैक्टर। अगर आपको वीडियो एडिटिंग करना है तो आपको नाइट्रो के साथ जाना चाहिए, क्योंकि वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन ज्यादा रैम का डिमांड करता है। लेकिन अगर आपको सिर्फ गेमिंग करना है तो आईडियापैड गेमिंग 3 आपके लिए बेस्ट है। नेक्स्ट, दोनों लैपटॉप आता है सेम GPU के साथ, दैट इज GTX 1650 4GB DDR6। दोनों लैपटॉप में एक्टिव कूलिंग और 2 फैन दिया गया है, लेकिन आपको मजा तब आएगा जब आप लीडिंग गेम्स का FPS देखेंगे ये दोनों लैपटॉप में। लेकिन उससे पहले बात करें स्टोरेज की। ये दोनों लैपटॉप आता है 512GB M.2 SSD के साथ में, और दोनों लैपटॉप का स्क्रीन साइज भी सेम है, दैट इज 15.6 इंच, साथ में IPS डिस्प्ले। पर रिफ्रेश रेट में नाइट्रो 5 आगे जाता है विद 140Hz, जबकि आईडियापैड का सिर्फ 120Hz है। और साथ ही साथ दोनों लैपटॉप्स का वेट भी सेम है, दैट इज 2.3 kg। और कनेक्टिविटी में दोनों लैपटॉप्स का Wi-Fi, ब्लूटूथ और वेबकैम तो सिमिलर है, पर पोर्ट्स के मामले में नाइट्रो 5 USB 3.2 का 3 पोर्ट्स दिया है, जबकि आईडियापैड सिर्फ 2 पोर्ट्स दिया है, और दोनों लैपटॉप्स के बाकी सारे पोर्ट्स सिमिलर है। और आप जानते हैं आपको कौन सा लैपटॉप के साथ जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले दोनों लैपटॉप्स का गेमिंग परफॉर्मेंस देख ले। दोनों लैपटॉप्स का गेमिंग परफॉर्मेंस आपको सिमिलर मिल जाएगा, क्योंकि दोनों पे लगा हुआ है GTX 1650। विचर खेलने पर आपको मिल जाएगा 52 FPS, पर फोर्ज़ा हॉरिज़न 5 में आपको थोड़ा ज्यादा FPS मिलेगा, दैट इज अराउंड 62। और बात करें साइबरपंक 2077 का, और इस लैपटॉप में ये गेम खेलना उतना मजेदार नहीं होगा, क्योंकि इसका FPS बहुत ही डाउन जा रहा है, अराउंड 35 के आसपास। और करीब करीब यही परफॉर्मेंस मिलता है आपको GTA 5 के साथ में, जिसका FPS होगा अराउंड 45-42 के आसपास। अभी एक झलक में देखते हैं दोनों लैपटॉप के पूरी कुंडली। तो प्रोसेसर की परफॉर्मेंस में सिनेबेंच R23 सिंगल कोर स्कोर में लीड कर रहा है नाइट्रो 5, जबकि मल्टी कोर स्कोर में आईडियापैड लीड कर रहा है। और नाइट्रो 5 का रिफ्रेश रेट बेहतर है, दैट इज 144Hz, जबकि आईडियापैड का सिर्फ 120Hz है। और रैम के अपग्रेडेबल ऑप्शन में भी नाइट्रो 5 लीड करता है, क्योंकि इसमें 32GB तक अपग्रेड कर सकते हैं, जबकि आईडियापैड में सिर्फ 16GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। और बाकी चुन्नू मुन्नू पॉइंट्स में भी नाइट्रो 5 लीड करता है, जैसे कि नाइट्रो 5 में ब्लूटूथ वर्शन 5.2 दिया गया है, जबकि आईडियापैड में ब्लूटूथ वर्शन 5 दिया गया है, और USB 3.2 का एक पोर्ट ज्यादा दिया गया है नाइट्रो 5 में। और ये ओवरऑल फीचर्स में आईडियापैड सिर्फ मल्टी कोर स्कोर में ही अपना दम दिखा रहा है, जबकि नाइट्रो 5 काफी चीज में लीड कर रहा है। और प्राइस के मामले में भी नाइट्रो 5 आगे है, पर ज्यादा नहीं, सिर्फ 2000 का फर्क है। और ये दोनों लैपटॉप को आप 3 कैटेगरी में रख सकते हैं, मल्टीटास्किंग, वीडियो एडिटिंग एंड गेमिंग। अगर आपको मल्टीटास्किंग करना है तो आप डेफिनेटली आईडियापैड के साथ जाइए, क्योंकि इसका मल्टी कोर परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। अगर आपको गेमिंग करना है तो आप डेफिनेटली नाइट्रो 5 के साथ जाइए, क्योंकि इसका रिफ्रेश रेट बेहतर है। तो अगर आप वीडियो एडिटिंग प्लान कर रहे हैं तो आप पहले डिसाइड कर लीजिए आपको 4K वीडियो एडिटिंग करना है या फुल HD। फुल HD वीडियो एडिटिंग के लिए आप आईडियापैड के साथ जाइए, क्योंकि इसका प्रोसेसर का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, और ये लैपटॉप का रैम अपग्रेडेबल ऑप्शन 16GB तक है, जिससे आपका फुल HD वीडियो एडिटिंग मक्खन हो जाएगा। अगर आप प्लान कर रहे हो 4K वीडियो एडिटिंग के लिए तो आप डेफिनेटली नाइट्रो 5 के साथ जाइए, क्योंकि ये लैपटॉप दे रहा है 32GB अपग्रेडेबल ऑप्शन, और हेवी एडिटिंग के लिए 32GB रैम तो मस्ट है। और अगर आपके बजट थोड़ा टाइट है और एक लैपटॉप ढूंढ रहे हैं 30,000 के आसपास, तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पे मैंने कमाल का लैपटॉप आपके लिए पिक किया है।